आज 3 नवंबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज है उसमें ये बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर पब्लिश की है कि सिंध यूनिवर्सिटी सेट्स रिकॉर्ड एज 23,000 कैंडिडेट्स अपीयर इन प्री एंट्रेंस टेस्ट। बैचलर एंट्री टेस्ट जो सिंध यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया उसमें 23,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए जिसमें से 5,000 गर्ल्स थी। इसकी जो फर्दर भी डिटेल्स हैं कितने कैंडिडेट्स थे डिफरेंट कैंपस में वो भी इसमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद ये बिजनेस रिकॉर्डर ने ही खबर पब्लिश की है कि 287 स्टूडेंट्स को सिंध मदरसतुल इस्लाम में जो डिग्रीज हैं वो स्टूडेंट्स को दी गई कन्वोकेशन में जिसमें प्रो वाइस चांसलर निसार खोड़ो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद गनी और बाकी लोगों ने शिरकत की। इसमें 92 ग्रेजुएट्स थे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और 195 अंडर ग्रेजुएट लेवल के। देन ये प्लानिंग कमीशन ने जो डेवलपमेंट बजट है वो अप्रूव किया है फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में ही मेन कैंपस है उसका, और वहीं पर I-12 में उसकी जो न्यू स्टेब्लिश कैंपस करने के लिए ये PC1 अप्रूव किया गया। देन गवर्नमेंट रिलीजेज के कोई 11 बिलियन के करीब हायर एजुकेशन कमीशन को रिलीज किए डेवलपमेंट के लिए 11.51 जो कि एक्चुअल हम जो HEC की रिक्वायरमेंट थी 29.46 बिलियन की उसके अगेंस्ट। और इस दफा गवर्नमेंट जो है फर्स्ट क्वार्टर में 20%, सेकंड क्वार्टर में भी 20% और थर्ड फोर्थ क्वार्टर में 30-30% रिलीजेस कर रही है।